उसको हटा देंगे, आग लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। पहली चीज क्या है, जहां आप काम करने जा रहे हो ये सब चीज को साइड से हटा लो। उसका बाद बैरिकेड कर लो, आपका एरिया बैरिकेड कर लो, साइन बोर्ड लगा दो। साइन बोर्ड लगाने से कोई आपका अंदर घुसेगा नहीं। अगर साइन बोर्ड लगा होगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस, हॉट वर्क इन प्रोग्रेस है, डोंट मूव इनसाइड द हॉट वर्क एरिया। इतना भी अगर छोटा छोटा हम अगर साइन बोर्ड लगा देंगे तो ये खतरा जोन है, इसका अंदर घुसना मना है। ये खतरा जोन है, इसका अंदर साइड जाना मना है। तो इसमें आपको दो अलर्ट आ गया आपको, तो आदमी क्या करेगा, सोचेगा नहीं हमको नहीं जाना है, बैरिकेड हुआ है वो है, इसका अंदर हमको जाना नहीं है। दूसरी है क्या है, करने जा रहे ओल्डिंग वर्क करने जा रहे, हमने क्या किया, इनफ्लेमेबल मटेरियल हटा दिया और बाकी बैरिकेड कर लिया। उसका बाद हमने मशीन का लेके आया, मशीन में हम क्या करेंगे, जो टेस्टेड आरसीसीबी हम लगाएंगे, डबल बॉडी अर्थिंग सिस्टम करेंगे। जितना भी है केबल, समझो ना, केबल जितना भी है, लॉक्स, हम लॉक्स और बोल्टिंग सिस्टम करेंगे। तब क्या होगा, और ना आपका लूज कनेक्शन मिलेगा, लूज कनेक्शन होने से क्या होगा, आपको फायर हो सकता है। इसलिए हमको क्या, अगर सही सलामत में हम अगर केबल लॉक्स को अगर टाइट करेंगे तो इसमें क्या, आग लगने का चांसेस नहीं है, ना लूज होगा नहीं है। डबल बॉडी अर्थिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक अगर फेल्योर हुआ दूसरा क्या करेगा, काम पे आ जाएगा। ये सिस्टम है। दूसरी सिस्टम क्या है, आप हमने कर दिया प्रोटेक्शन सिस्टम, क्या करना है हमको, फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। क्या रखना है, फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, सेंड का बॉकेट रखना है, पानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर फायर होता है डायरेक्ट आपको पानी डालने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या, अगर पानी गलती से आपने डाल दिया तो आपका जो पानी डालने वाला है भी शॉर्ट सर्किट होके वो भी चला जाएगा। कब पानी डालते हैं, जब क्या होता है, सब सर्किट बंद है, आपको पता चल गया सब सर्किट बंद है, उसका बाद हम केबल का ऊपर पानी डाल सकते हैं। जब तक आपका ये जलते रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिकल कटअप नहीं रहेगा, तब तक पानी गलती से भी डालना नहीं है। तो आपका क्या हो सकता है, CO2 सिलेंडर जो आपको आता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, क्या डालना है, CO2 आपको डालना है, बा DCP जो सिस्टम आता है उसको भी डाल सकते हो, लेकिन तो आपको CO2 इस्तेमाल करना है, ये जरूरी है। दूसरा बात, ये सब हो गया, होने के बाद हमको क्या करना है, अगर एक वेल्डर की गैस कटर जा रहा है, कुछ हॉट वर्क करने जा रहा है, तो उसको PPs हम लोग लगाते